राजे भ्यूगड़े फार्मा मैनेजर्स लाइव देखते हैं आज की खास खबर। देश भर में बंद रहेंगी ओपीडी। बंगाल में डॉक्टर की पिटाई की घटना में अब तक लोगों का गुस्सा बरकरार है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर में सोमवार को 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे सभी गैर जरूरी सुविधाएं बंद रहेंगी और अस्पतालों के ओपीडी सुबह 6 बजे से बंद रहेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली स्थित IMA हेडक्वार्टर में धरना का आयोजन करेंगी। धरना प्रदर्शन सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होगा। अब की दूसरी खास खबर, AI सुपर कंप्यूटर भारत पहुंचा। कृत्रिम मेगा में दुनिया का सबसे तेज या शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर DGX-2 भारत में भी आ गया। इसे जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्था में लाया गया है। AI एप्लीकेशन के लिए सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जो भारत में पहली बार आया है। डॉक्टर हरित ने कहा कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत वाला इस कंप्यूटर की क्षमता का अंदाजा इस बात लगाया जा सकता है कि इसमें 16 विशेष GPU कार्ड लगे हैं और प्रत्येक की क्षमता 32 GB है। अब की तीसरी खबर, भारत म्यांमार की सेना का बॉर्डर पर एक्शन। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भारत और म्यांमार ने उग्रवादी संगठनों पर संयुक्त कार्रवाई की है। दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी अपनी सीमाओं में उग्रवादी ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। कार्रवाई के दौरान भाग गए उग्रवादी को भी पकड़ लिया है। सेना ने इस मुहिम को ऑपरेशन सनशाइन 2 नाम दिया है। भारतीय सीमा के अंदर इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के साथ बटालियन के अलावा सुरक्षा बल असम राइफल के जवान इस कार्रवाई में शामिल थे। ये थी अब की खास खबर। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।